हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हाईटेक ज्ञान में। मैं हूं आपका दोस्त हिमांशु अरबुला। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं हैरियर XZA प्लस रेड डार्क। जी हां दोस्तों, ये टॉप मॉडल कंपनी ने आज की डेट में जो नया लॉन्च किया है उस वेरिएंट का आज हम आपके लिए वॉक अराउंड लेके आए हैं। दोस्तों आज की डेट में जो भी यूथ को चाहिए होता था वही उस चीज़ को टाटा ने सोचा, देखा और उसी चीज़ को अप्लाई किया। वो सारी चीज़ जो भी एक यूथ को चाहिए होती हैं प्रॉपर SUV में, अगर नॉर्मली भी एक गाड़ी अगर कोई लेते हैं तो उसके बाद उनको मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है, जैसे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वो चीज़ कंपनी ने सोचा, देखा और उस चीज़ को अप्लाई किया और लेके आ गई हैं आपके सामने हैरियर XZA प्लस ऑप्शनल रेड डार्क। ये रेड डार्क एडिशन है दोस्तों। बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग की, फीचर्स की। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों बात करें अगर इसके प्राइसिंग की तो जो हल्द्वानी में आपको पड़ती है 24,07,000 रुपये का एक शोरूम इस गाड़ी का है, जो तकरीबन ऑन रोड आ जाती है 28,00,000 रुपये की। बात कर लेते हैं गाड़ी के डायमेंशन की। जो इसकी लेंथ है दोस्तों वो मिलेगी आपको 4598 mm की, इसमें आपको लेंथ देखने को मिल जाती है। और जो इसकी चौड़ाई है दोस्तों, जो इसकी विड्थ है 1894 mm की, इसकी विड्थ आपको देखने को मिल जाती है। व्हील बेस इसमें आपको मिलता है 2741 mm का। इस तरीके से दिखती है दोस्तों कुछ गाड़ी। अब इसमें आपको जो चेंजेस दिख रहे हैं दोस्तों, ये आपको फ्रंट में जो डिस्क ब्रेक के साथ आपको जो कैलिपर दिख रहे हैं ये भी आपको रेड थीम में ही दिखेंगे, और जो कि आपको काफ़ी स्पोर्टी लुक प्रोवाइड कराते हैं। बात कर लेते हैं टायर प्रोफाइल की, तो इसमें आपको 235/60/18 18 इंच के टायर साइज आपको यहां पर देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी लुक गाड़ी को प्रोवाइड करता है। इस तरीके से दिखती है दोस्तों गाड़ी रेड वाले में। यहाँ पर आपको रेड का थोड़ा सा काम करा हुआ दिख रहा है। लोगों को थोड़ा इसमें यह रहता था कि अगर डार्क एडिशन भी कोई पसंद करता है तो उसमें पहले उनको क्रोम की फिनिश अगर देखने को मिलती थी, तो वो भी कंपनी ने अब हटा दी है। इसमें आपको पियानो फिनिश के साथ ग्रिल्स मिलती हैं फ्रंट में। और एक इसमें जो आपको डिफरेंस दिख रहा होगा दोस्तों, ये 360 कैमरा का यहाँ पर सेटअप दिया गया है। और एक ये नई चीज़ है राडार, जो कि कभी फॉग वगैरह होता है तो उस केस में क्या करता है, सेंस करके अपना जजमेंट आपको देता है, उस तरीके से आपको ये असिस्ट करता है दोस्तों। इधर आपको DRL का सेटअप देखने को मिलता है, यही डुअल फंक्शन DRLs हैं, यही टर्न इंडिकेटर में चेंज हो जाते हैं दोस्तों। इधर आपको हेडलैम्प्स का सेटअप देखने को मिल जाता है और ये फॉग लैम्प का सेटअप आपको इसमें देखने को मिल जाता है। ये कॉर्निंग फंक्शन के साथ आपको फॉग लैम्प्स दिखते हैं। पहाड़ों में अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, जिधर को भी आप स्टेयरिंग मोड़ेंगे उधर का फोकस ज़्यादा हो जाएगा और आपको अच्छी विजिबिलिटी प्रोवाइड करेगा दोस्तों। इस तरीके से दिखती है साइड से कुछ गाड़ी। ऑटो फोल्ड के साथ आपको आउटर मिरर्स मिल जाते हैं। रिक्वेस्ट सेंसर आपको बोथ साइड मिल जाते हैं, ड्राइवर और को ड्राइवर दो साइड में। प्लस वेलकम सीट भी आपको इस गाड़ी में आप देखने को मिल जाती है दोस्तों। वेलकम सीट के साथ आपको इसमें मेमोरी सीट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है दोस्तों। इस तरीके से अगर ड्राइवर गाड़ी चला रहा है तो उसके लिए अलग है, ओनर चला रहा है उसके लिए अलग है, ओनर का लड़का अगर चला रहा है उसके लिए अलग ऑप्शन है। इस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से दिखता है कुछ इंटीरियर। पूरा डार्क थीम आपको देखने को मिलती है, चारों पावर विंडो आपको देखने को मिल जाते हैं। सीट इसमें सारी रेड ही कर दी गई है। वेंटिलेटेड सीटों का आपको इसमें ऑप्शन देखने को मिल जाता है दोस्तों। थोड़ा सा इसमें चेंजेस इधर भी किया गया डैशबोर्ड में दोस्तों। पहले ये पूरा ब्लैक आता था, अब इसमें हल्की सी स्पार्कल का भी काम किया गया है दोस्तों। इस तरीके से करते हैं MID को इसकी स्टार्ट। MID होती है इस तरीके से कुछ स्टार्ट। इधर आपको RPM का गेज, इधर मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, इधर टेम्परेचर का साइन और इधर फ्यूल गेज देखने को मिल जाता है। इधर आपके कंट्रोल दिए गए हैं क्रूज के और एडास के, सारे कंट्रोल्स आप इधर से एक्सेस कर सकते हैं। इधर जो आपको दिया गया है इलेक्ट्रिक हैंडब्रेक विद ऑटो होल्ड फंक्शन, इधर आपको टेरेन रिस्पॉन्स मोड देखने को मिलता है, हिल डिसेंट कंट्रोल भी आपको इस वेरियंट में देखने को मिल जाता है, ऑटो डिमिंग IRVM का सेटअप आपको देखने को मिल जाता है। ये चीज़ आपको एक नई दिख रही होगी, ये रडार का पूरा सेटअप है, पूरा सेंस करता है। इधर आपको प्रॉपर पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिल जाता है स्लो मोशन में खुलता हुआ। हरमन का इंफोटेनमेंट सिस्टम इसमें अब आपको देखने को मिल जाता है। पहले ये 8.8 इंच का आता था, अब जो कि बढ़ के 10.25 इंच का हो गया दोस्तों। 360 कैमरा का फीचर इसमें अब ऐड हो गया है इस तरीके से, और क्लियरिटी भी काफ़ी बढ़ गई है दोस्तों। 2D 3D जिस भी आप व्यू में देखना चाहें इजीली आप गाड़ी को देख सकते हैं और उस तरीके से आप गाड़ी को एक्सेस कर सकते हैं दोस्तों।
इधर आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है विद कोल्ड ग्लो बॉक्स, 12 वोल्ट का सॉकेट, एक नॉर्मल यूएसबी और एक टाइप सी वाला चार्जिंग सॉकेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है दोस्तों। फ्रंट में ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों जगह आपको वेंटिलेटेड सीटों का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इस तरीके से आपको कुछ इंटीरियर हो जाता है खत्म दोस्तों। इस तरीके से दिखती है कुछ साइड से गाड़ी। बात कर लेते हैं रेयर की। इधर भी आपको एसी वेंट्स आपको पिलर्स में ही देखने को मिल जाते हैं और पैसेंजर के लिए भी इधर आपको चार्जिंग का पूरा इंतजाम दिया गया है दोस्तों। इधर आपको रीडिंग लैंप्स देखने को मिल जाती है। ये हो गया अपना बूट। इस तरीके से दिखती है कुछ गाड़ी बैक से। हैरियर का इधर आपको मस्कट लोगो देखने को मिल जाता है। कीलेस एंट्री से आप बूट एक्सेस करते हैं। 450 लीटर का आपको बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आपको इधर हिडन स्पेस भी देखने को मिलता है। यहाँ पर भी आप छोटी मोटी चीज़ें अपनी कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा इधर आपको टूल्स का सेटअप देखने को मिल जाता है। इधर हो गया अपना डेफ के लिए स्पेस। ये है JBL का अपना सब वूफर। इस तरीके से है कुछ बूट। अगर सेकेंड रो को हम पूरा फोल्ड कर दें तो इसमें जो बूट स्पेस आ जाता है दोस्तों 810 लीटर का बूट स्पेस इसमें आपको देखने को मिल जाता है। इस तरीके से है कुछ पीछे का माहौल। तो ये था दोस्तों आज हैरियर XZA प्लस रेड डार्क ऑप्शन का छोटा सा वॉक अराउंड। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों जल्दी नई किसी वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।